नमस्कार, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने जा रहे हैं नए संसद सत्र की। जी हां, 10 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, खबर ये आ रही है। और लगातार आपको पता होगा कि जिस अफरा तफरी में इससे पहले बजट सत्र को एकदम से खत्म कर दिया गया था, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी था कि कोरोना का संकट कितना ज्यादा बढ़ने वाला है और इससे आने वाले समय में किस तरह की चुनौतियां सामने आने वाली है। अब आपको याद होगा कि उस वक्त पे सरकारी विभाग या सरकारी जो भी पूरा लिटियंस दिल्ली में जो भी तमाम विभाग हैं उनके कर्मचारियों को भी, अधिकतर कर्मचारियों को भी दफ्तर आने से मना कर दिया गया था। सबसे पहले जो फिंगर पॉइंट अटेंडेंस होती है वो भी सरकारी इन कार्यालयों में ही हटाई गई थी। यानी सरकार को बहुत पहले से पता था कि इस कोरोना का असर, कोरोना महामारी का असर कितना ज़्यादा होने वाला है। लंबा वक्त बीता और अब 22 सितंबर तक इस मियाद की, ये जो मियाद थी ये खत्म होने वाली थी, उससे पहले ये तय करना था कि आप मॉनसून सत्र बुलाएंगे या नहीं। तो अब 10 सितंबर से मॉनसून सत्र जो शुरू होगा वो शुरू तो होगा लेकिन वो बहुत हंगामेदार भी होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें भी थोड़ा बदलाव किया गया है। एक एक दिन जो अपर हाउस है और लोअर हाउस है उनके जो सांसद हैं उनको एक एक दिन, यानी एक दिन लोकसभा और एक दिन राज्यसभा के सांसदों को बुलाया जाएगा। इसके साथ ही जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है, लोकसभा के जो सांसद हैं वो सेंट्रल हॉल में बैठेंगे और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो लोकसभा और राज्यसभा की सीटों पर ही बैठेंगे। और इसके साथ साथ उनके, यानी सांसदों के जो तमाम उनके साथ जुड़े अधिकारी होते हैं, जिनमें PA होते हैं, OSD होते हैं, ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी होते हैं, इन सबको आने की मनाही है। यानी अकेले आएंगे जो भी हमारे सांसद महोदय हैं वो अकेले ही आएंगे, उनके साथ उनका तामझाम, यानी जिसे हम कहते हैं कि लाव लश्कर जो होता है वो नहीं आने वाला है। अब दिलचस्प बात यह है कि सिक्योरिटी, किस तरह की सुविधाएं वहां पर रहने वाली हैं, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा देखना। क्योंकि देखिए, जो बेसिक जो सुरक्षा है वो तो निश्चित तौर पर वहां पर रखी जाएगी, जिसमें हम 2 फीट की दूरी की बात करते हैं, सैनिटाइजर की बात करते हैं, लेकिन आरोग्य सेतु ऐप हर किसी के लिए मैंडेटरी की गई है। आरोग्य सेतु ऐप सभी के पास होनी चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू द प्रीमाइसेस। इसके अलावा जो एक बात सामने निकल कर आ रही है वो ये कि आरोग्य सेतु ऐप को बार बार वहाँ पर अलग अलग जो एक तरह से सिक्योरिटी गेट्स होंगे उन पर भी आपको चेक कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी। अब बात करते हैं कि इस सत्र को हर कोई क्यों टकटकी लगाए देखना चाहता है। आपको याद होगा गलवान में क्या हुआ था, और गलवान में जो हुआ उसके बाद राजनीति भी खूब हुई है। हालांकि हम अपनी तरफ से ये कहना चाहते हैं कि जो सामरिक मुद्दे होते हैं देश के, उन पर किसी भी तरह की राजनीति स्वीकार नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने बार बार इस सवाल को उठाया है कि क्या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं देश से कि चीन हमारी ज़मीन पर नहीं घुसा। इसके बाद कांग्रेस एक तरह से जागी इस मुद्दे पर, क्योंकि हर बार हर मुद्दे पर बोलने के बाद कांग्रेस सो जाती है, फिर उन्हें लगता है कि कोई नया मुद्दा आ गया है, प्रधानमंत्री को इस पर घेरा जा सकता है, बिना होमवर्क करे वो उस मुद्दे पर फिर उतरते हैं और वहाँ पर भी मुँह की खाते हैं। इस बार भी यही ऐसा ही कुछ हुआ है, लेकिन इंतज़ार है देश को खास तौर पर उस बहस का जब राहुल गांधी कुछ सवाल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस बार तैयारी से आए। गलवान पर आप निश्चित तौर पर देश के सामरिक मुद्दों पर आप प्रधानमंत्री से सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप राष्ट्रीय सुरक्षा को आपको समझना पड़ेगा कि हम एक लकीर जो है वो कहाँ तक उस पर खींच सकते हैं, हम कहाँ तक पूछ सकते हैं, क्या कह सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं कह रहे जिससे सेना का मनोबल गिर जाए, ऐसा तो कुछ नहीं कह रहे जिसका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन को फायदा पहुंच जाए या हमारे दुश्मन देशों को फायदा पहुंच जाए। तो इस मुद्दे पर जो चर्चा होगी वो बहुत जोर शोर से चलने वाली है। राम मंदिर को लेकर भी बातचीत हो सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष इस बार सरकार को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है वो हमारी नज़र में गलवान में जो हुआ है, या चीन के साथ जिस तरह का अब इशू चल रहा है, अलग अलग तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं, वो सारी बातें सामने निकल कर आएंगी। हमें लगता है कि रफाल पर तो अब कोई चर्चा नहीं होगी। रफाल भारत आ चुके हैं, 5 रफाल आ चुके हैं और रफाल आएंगे। आपको 2 स्क्वाड्रन देनी है फ्रांस की तरफ से, यानी 36 रफाल आपके पास आएंगे। तो ये सारे के सारे अहम बिंदु रहने वाले हैं, लेकिन हमें लगता है कि गलवान पर जो है सबसे गंभीर चर्चा होने वाली है। सबसे ज़्यादा विपक्ष कोशिश करेगा सरकार को घेरने की। आपको और कौन कौन से मुद्दे लगते हैं जिन पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, और क्या ये जो मानसून सत्र हो रहा है 10 तारीख से इसके पक्ष में हैं आप? ज़रूर बताइए हमें, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि अभी भी थोड़ा सा सरकार को इंतज़ार करना चाहिए?
थोड़ा सा भी हालातों को सामान्य होने देना चाहिए, क्योंकि अगर देश का जो देश की जो संसद है वो चलने लगेगी तो एक तरह से ये भी मैसेज जाता है कि अब धीरे धीरे हम सामान्य की तरफ लौट रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन क्या इसमें जल्दबाजी तो नहीं हो रही? जरूर बताइए हमें, कमेंट करके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।